आपके बाल बहुत थिन फील होते हैं, ज्यादा वेवीनेस होने की वजह से बाल आपके बनते नहीं है, या बाल आपके बहुत ज्यादा स्ट्रेट है जिसमें अगेन स्टाइलिंग की प्रॉब्लम आती है, या आपको रिसीडिंग हेयर लाइन, मेल पैटर्न बॉन्डनेस जैसे इश्यूज आ रहे हैं, कौन सी ट्रीटमेंट आपको लेनी चाहिए। Hey guys, my name is Sahil Gera and welcome back to the Dynamite Mail and welcome to the Indian Hair Care Series Part 4, जिसमें कि हम ऐसी 7 हेयर प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने वाले हैं जो आप रोज आज के टाइम पे फेस करते हो एंड उसके क्या क्या सॉल्यूशन है जो इंस्टेंटली आपके बालों में एक नेक्स्ट लेवल डिफरेंस लेके आएगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो के साथ में। सबसे पहली प्रॉब्लम जो आती है कि आपको फील होता है कि आपके बाल बहुत थिन है, उसके अंदर वॉल्यूम नहीं है, जब आप ब्लो ड्राई करते हो तो भी आपके बाल अच्छे से सेट नहीं हो पाते। तो ये चीजें डिपेंड करती है आपकी जेनेटिक्स के ऊपर, आपकी हेयर क्वालिटी के ऊपर। अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है, आपके बाल चाहे थिन भी हो, फिर भी कुछ ऐसी चीजें जो आप करके अपने बालों में वॉल्यूम बहुत ज्यादा ऐड करा सकते हो। तो इस इश्यू को सॉल्व करने के लिए आपको यूज करना है यहाँ पे एक मैटिफाइंग पाउडर। बेसिकली वो एक हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट ही होता है। जब स्टाइलिंग की बात आती है तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ वैक्स यूज अ मैटिफाइंग पाउडर। वो आपके बालों में थोड़ा सा वॉल्यूम ऐड करेगा, आपके बालों को एक मैट का टेक्सचर देगा जिससे नेचुरली वो पफ डब लगेंगे, जिससे आपको वॉल्यूम डेफिनेटली अच्छी होगा। एंड मैटिफाइंग पाउडर यूज करने से सुबह से लेकर रात तक आपके बाल बिल्कुल बढ़िया से सेट रहेंगे। नेचुरली आप सिर्फ हाथ भी मारोगे तो भी आपके बाल एकदम सेट रहेंगे, और जब दूर से कोई देखेगा तो वॉल्यूम आपके बालों में घना घना नजर आएगा। तो कुछ ऐसे अच्छे मैटिफाइंग पाउडर के लिंक्स में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अफोर्डेबल रेंज में। दूसरी टाइप की प्रॉब्लम जो लोग फेस करते हैं, कभी भी हम जैसे गोवा वगैरह जाते हैं या थोड़ी सी बीच एरियाज में जाते हैं, तो आपने नोटिस किया होगा आपके बाल हो जाते हैं बहुत ज्यादा ऑयली, स्कैल्प ऑयली होता है, आपका फोरहेड तक ऑयली हो जाता है। और ये चीज दिल्ली में भी अगर आप हो या थोड़े नॉर्मल वेदर के अंदर हो तो भी आप ये चीज फील करते हो। तो इसके साथ डील करने के लिए सबसे पहली चीज, आपको अपनी डाइट के अंदर से थोड़ा सा ऑयल कम करना पड़ेगा, फ्राइड आइटम्स वगैरह कम करने पड़ेंगे। एंड व्हेन इट कम्स टू द प्रोडक्ट जो एक्चुअली में बहुत हेल्पफुल है, जो सीधा सीधा आपके बालों में ऑयल बिल्कुल भी नहीं आने देगा, एंड दैट इज द सी सॉल्ट स्प्रे। सी सॉल्ट स्प्रे बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता है अगर आपके बालों में वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम ऐड करने में हेल्प करता है, एंड उसकी वजह से आपके बालों में एक नेक्स्ट लेवल का टेक्सचर आता है जिससे कि ऑयल उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है एंड आपको फील भी नहीं होता। तो इसको लगाना कैसे और कब है, जब भी आप नहा के आओ थोड़े से अपने बाल हल्के से सुखाओ एंड स्प्रे दिस सी सॉल्ट स्प्रे ऑन टू योर हेयर, एंड सिर्फ हाथ से ही उसको अच्छे से रब करो एंड लेट इट ड्राई ऑन इट्स ओन, या आप एक ब्लो ड्रायर यूज करके भी अपने बाल स्टाइल कर सकते हो। बस इतना सा करना है एंड आपको आपके बाल बहुत बढ़िया फील होंगे। तीसरी टाइप की जो प्रॉब्लम फेस करते हैं कि हमारे बालों में थोड़ी सी वेवीनेस होती है, थोड़े से कर्ल्स बनने लग जाते हैं, ऑयल की वजह से भी बालों का टेक्सचर खराब होता है। कई लोगों को अपने वेवी और कर्ली हेयर ज्यादा पसंद होते हैं, तो उनके लिए नहीं है। जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है वो यहाँ पे एक चीज यूज कर सकते हैं, जिस नेचुरल केराटिन ट्रीटमेंट के बारे में मैंने बात कर दी हमारी लास्ट वीडियो के अंदर, विच वॉज दी OSC रूटीन, जिसमें कि हम एक अंडा इस्तेमाल करेंगे। सीधा सीधा इफेक्ट उसके बालों में आपके स्मूथ बनाने के लिए होता है एंड घर बैठे बैठे सस्ते में आपकी सलोन वाली महंगी ट्रीटमेंट पॉसिबल होती है। नेक्स्ट टाइप की प्रॉब्लम जो लोग फेस करते हैं, कई लोगों के बाल बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, वो जितना मर्जी स्टाइलिंग कर ले उनके बाल बिल्कुल सीधे रहते हैं, जो मर्जी प्रोडक्ट लगाओ 2 से 3 घंटे बाद वापस से आपके बाल स्ट्रेट हो जाते हैं। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक ब्लो ड्राई टेक्निक बताने वाला हूं। अगर आप इसको करोगे आप खुद नोटिस करोगे कि आपके बाल बहुत अच्छी तरीके से स्टाइल हो गए हैं एंड लंबे टाइम तक वो चीज लॉन्ग लास्ट करेगी। एंड उसमें ये चीज भी पॉसिबल है, अगर आप कोई प्रोडक्ट भी ना लगाना तभी भी आपके बाल एकदम स्टाइल एंड पफ्ड अप रहेंगे। तो वो ब्लो ड्राई टेक्निक आपको कैसे करनी है, जब आप नहा धोके आते हो आपके बाल थोड़े से गीले होते हैं, यहां पे हमने करना है सिंपल ब्लो ड्राई। बस यहां पे आपको थोड़ा सा ग्रेविटी का फायदा उठाना है, आपने अपने हेड को नीचे की तरफ पोजीशन देनी है जिससे कि आपके बाल बिल्कुल नीचे पॉइंट करेंगे एंड उसी पोजीशन में आपको ब्लो ड्राई करना है। उस डाउनवर्ड पोजीशन के अंदर जब आप ब्लो ड्राई करते हो आपको फील होगा कि आपके बालों में हवा घुस चुकी है जिसकी वजह से पफीनेस क्रिएट होती है एंड इंस्टेंटली आप फर्क नोटिस करोगे, आपके बाल काफी पफी हो चुके हैं। बट यहां पे आपको थोड़ा सा पावरफुल हेयर ड्रायर करना है जो अच्छे तरीके से लॉक कर पाए। तो कुछ ऐसे अफोर्डेबल लिंक्स मैं डेफिनेटली डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। प्रॉब्लम नंबर 5 जो लोग बहुत फेस करते हैं, अब ब्लो ड्राई तो मैंने आपको बता दिया लेकिन प्रॉब्लम इसमें होती है कुछ टाइम बाद आप फील करोगे कि आपका हेयर फॉल होना स्टार्ट हो गया है। ब्लो ड्राई बहुत ज्यादा एक्सेस हीट देता है जिससे कि हमारे हेयर फॉल होना स्टार्ट होते हैं, हमारे बाल थिन होते हैं, डैंड्रफ बहुत ज्यादा आता है। तो इस चीज से आप कैसे बच सकते हो, आप ब्लो ड्राई जब इस्तेमाल करते हैं उसमें निकलती है हाई हीट, तो बालों में किसी भी टाइप की प्रोटेक्शन नहीं होती। यहां पे हमने एक लेयर ऑफ प्रोटेक्शन ऐड करनी है। एक प्रोडक्ट आता है जिसका नाम है हीट टेमर, वो सीधा सीधा आपके बालों को और स्कैल्प को हीट से प्रिवेंट करता है जिससे कि डैमेज नहीं होता। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा डाउनसाइड है कि उस हीट टेमर के अंदर ऑलरेडी कुछ केमिकल्स होते हैं, तो अगर आपको बहुत अर्जेंटली चाहिए तो आप ये यूज कर सकते हो। आई सजेस्ट यू टू यूज अ नॉन स्टिकी आर्गन हेयर ऑयल, आपके बालों में हैवी फील नहीं होगा, ऑयल की तरह फील नहीं होगा, वो बेसिकली काइंड ऑफ अ सीरम होता है जो आपके बालों को नरिशमेंट भी प्रोवाइड करेगा, साथ ही साथ जो हीट डैमेज है उससे भी बचाएगा। तो नेक्स्ट टाइम ब्लो ड्राई करने से पहले हीट टेमर या नॉन स्टिकी आर्गन ऑयल आप डेफिनेटली यूज कर सकते हो। अगेन लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नेक्स्ट टाइप ऑफ हेयर प्रॉब्लम जो कॉमनली लोग बहुत फेस करते हैं अर्ली एज के अंदर भी, क्योंकि रिसीडिंग हेयर लाइन स्टार्ट होगी, हेयर फॉल होना स्टार्ट हो गया, डैंड्रफ की प्रॉब्लम है,
ड्राई स्कैल्प है और वो जारी है टुवर्ड्स मेल पैटर्न बॉन्डनेस। और इसको बचाने के लिए आपको कुछ ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है। कई कई उसकी पॉसिबिलिटीज है कि आपकी बॉडी में कुछ डेफिशिएंसीज हो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए कौन सी ट्रीटमेंट आपको लेनी चाहिए, देखो दो ट्रीटमेंट बताऊंगा। एक ट्रीटमेंट जो आप खुद कर सकते हो विच इज अ डीएचटी ब्लॉकर। डीएचटी ब्लॉकर के बारे में पहले भी मैं बात कर चुका हूं। तो एक मेल बॉडी के अंदर एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है नेचुरली विच इज कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। वो बॉडी के लिए हमारी बहुत अच्छा होता है। तो वो सारे फीचर्स जो मेल के अंदर होते हैं उसी की वजह से होते हैं। बट टेस्टोस्टेरोन के साथ में एक बाय प्रोडक्ट भी होता है विच इज कॉल्ड डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। उसका बहुत नेगेटिव इफेक्ट होता है हमारे बालों पर जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। डीएचटी ब्लॉकर के बारे में मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी बात करी थी, तो मेक श्योर आप वो वीडियो जरूर देखना। तो ट्रीटमेंट यही है, आपको अपनी डाइट के अंदर बायोटिन और डीएचटी ब्लॉकर यूज करना चाहिए। एंड मैं बोलूंगा किसी भी ब्रांड का आप यूज कर सकते हो। कुछ ऐसे डीएचटी ब्लॉकर्स के लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सेकंड टाइप ऑफ ट्रीटमेंट जो 100% वर्किंग है लेकिन उसके लिए पड़ती है आपको डॉक्टर की जरूरत। तो जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हो सबसे पहला मेथड जो मैंने आपको बताया वही उसको फॉलो करते हैं और भी चीजें उसके साथ साथ देते हैं लेकिन उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। देन इट कम्स टू द मिनोक्सिडिल ट्रीटमेंट। ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है और आपको प्रैक्टिकली फील होगा आपके बालों में ग्रोथ। बट ये चीज आपको खुद से बिल्कुल भी नहीं करनी कि आप मिनोक्सिडिल यूज करने लगे हो किसी भी ब्रांड का या केमिस्ट से लेके। हो सकता है आपके पूरे बाल उड़ जाए। तो बहुत ध्यान से ओनली यूज इट आफ्टर द डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो प्रॉब्लम लोग फेस करते हैं व्हिच इज डैंड्रफ। डैंड्रफ से एक लेवल ऊपर की उनके स्कैल्प खुरदने लग जाती है, अलग अलग से पपड़ी सी निकलती है, वो होता है ड्यू टू माइक्रोबियल इन्फेक्शन जिसमें बैक्टीरिया और फंगल इन्फेक्शन होते हैं। ये चीज बहुत ही ज्यादा इकी सी फील होती है, कोई सामने वाला देखे तो उसको भी अच्छा नहीं लगेगा ना आपको लगेगा। प्लस आप नोटिस करोगे आपके बालों में इतनी ज्यादा इचिंग होगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए अगर आप कोई एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज कर रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको घर पर सॉल्व करने के लिए आपको यूज करना चाहिए एक टी ट्री ऑयल। टी ट्री ऑयल बहुत ही ज्यादा हार्श होता है, बहुत हार्ड होता है, आपको डायरेक्टली कभी भी अप्लाई नहीं करना अदरवाइज आपको ज्यादा डैमेज हो जाएगा। पहली बार टी ट्री ऑयल के अंदर कुछ ऐसी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती है जो आपके बालों में फंगस बैक्टीरिया वगैरह माइक्रोब्स को नहीं रहने देती। तो टी ट्री ऑयल आपको कैसे यूज करना है, सिंपल कोई भी ऑयल जो आप यूज करते हो घर पे चाहे मस्टर्ड ऑयल हो गया या कोकोनट ऑयल हो गया सिंपली वो लेना है एंड एक से दो ड्रॉप टी ट्री ऑयल की आपने मिक्स करनी है एंड जस्ट अप्लाई इट ऑन योर स्कैल्प। अच्छे तरीके से जेंटली आपने मसाज करना है, हफ्ते में चाहे एक बार भी करो। आप नोटिस करोगे आपकी जो डैंड्रफ वाली प्रॉब्लम्स है या आपको इन्फेक्शन वगैरह टाइप हो गया है वो चीज धीरे धीरे खत्म होने लग जाएगी। अगेन लिंक्स आपको सारे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ताकि आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो। तो ये हमने बात करी थी टोटल ऐसी 7 प्रॉब्लम्स की जो लोग कॉमनली फेस करते हैं एंड उनका सॉल्यूशन जो आप घर पे अभी इस टाइम पे कर सकते हो जिससे कि आपको सीधा सीधा इफेक्ट मिलेगा आपके हेल्दी हेयर एंड स्कैल्प में। तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको सच में वीडियो पसंद आए तभी इस वीडियो को लाइक करना और अगर आपको लगे एक सेकंड भी इट वॉज वर्थ योर टाइम तभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना था डाना मटमेल, अदरवाइज कोई भी दिक्कत नहीं है। और गाइस इंस्टाग्राम पर हमारे क्विक टाइप का कंटेंट आता है जो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है। कुछ वीडियोस तो हमारी ऐसी वायरल ये इतनी पसंद आई लोगों को। सो यू कैन फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम एज वेल, माय इंस्टाग्राम हैंडल इज द डाना मटमेल। तो आज की वीडियो से आपको कोई भी टाइप का क्वेश्चन हो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में कर सकते हो बिकॉज हमारी लास्ट वीडियो होने वाली है Q&A जिसमें सारे के सारे आपके क्वेश्चन के हम आंसर करेंगे। और कुछ और प्रॉब्लम है तो आप मेरे को डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो, अगेन माय इंस्टाग्राम हैंडल इज द डाना मटमेल। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ध्यान रखो, अपने बड़ों और बालों का भी ध्यान रखो एंड I'll see you guys in my next video.